बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूं। फिर से मेरी अदालत में पेशियां हैं। निकलने से पहले दो बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जो जिसने दो दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं, 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने दो दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी कौम, सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती, अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT, दो पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम दो ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे, कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि तीन शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनस्पत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिन ही इंतहा पसंद था, JIT को सेबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की, प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सेबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे, कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया, साबित करूंगा कि CTT के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां, साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जरूरत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गाय हैं, कानून से ऊपर हैं। ISPR साहेब, जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, दो नंबर लोगों को पकड़ता है वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत थाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला कहे? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है, हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं वहां, कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें,
कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली जहनी तौर पर तैयार हुआ हूं कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूं जेल में डालने जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूं सोशल मीडिया देखें, सबको पता कौन कौन इसके साथ है। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है उसके लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा आज सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी पांचे उंगलियां घी में हैं, जो इख्तदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतने ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले? लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप? ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रहे हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है। लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है।